हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निलेश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के टीज़र के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है स्त्री टू। इसमें राजकुमार राव हैं, श्रद्धा कपूर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अभिषेक बैनर्जी और अपर शक्ति खुराना हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक और म्यूज़िक दिया है सचिन जिगर ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ओ स्त्री रक्षा करना। जी तो आ गई सच में। हमने आपकी चोटी काट दी थी, गरम तेल की मसाज करेंगे ना तो फट से आ जाएगी वापस। प्लीज हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज फ्रेंड्स। प्लीज हॉरर मूवी है यार फॉर श्योर। और जिस तरह लास्ट को उन्होंने शॉट डाला है ना, डरा दिया। एनीवेज पता नहीं क्यों मैं आज हर टीज़र हर ट्रेलर इसी तरह के रिएक्ट कर रही हूँ। एनीवेज मैंने स्त्री फर्स्ट पार्ट का मूवी तो देखा हुआ नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि वो हॉरर बेस्ड मूवी है और बहुत अच्छी तरह से यू नो रिसीव किया गया है उस मूवी को। आई थिंक ये भी उसी जॉनर का है, उसी का पार्ट है स्त्री टू, तो ये भी बढ़िया ही होगा। एंड आई एम गेसिंग श्रद्धा दास इसमें भूत का कैरेक्टर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह से वो सीरियस फेस डाल के यू नो बाल ऐसे उठ रहे थे वो एक सीन। और आई थिंक राजकुमार उनसे प्यार करते हैं वो मरने से पहले या फिर मरने के बाद, वो ऐसा लड़की की तरह उनको इंट्रोड्यूस होके प्यार करने के बाद वो अपना असली रूप लेती है, पता नहीं, बट प्यार करते हैं और शायद उनके पीछे पड़ जाती है और ये पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वही स्टोरी हो गया एम गेसिंग, क्योंकि मैंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द स्टोरी इज अबाउट, बट लास्ट में अच्छा लगा थोड़ा। जिस तरह से आई थिंक वो स्लैंग उनके जो भी जिस जहाँ शूट किया गया ना उस प्लेस के लैंग्वेज है जो वो उनके बातों में पता चल रहा है उनके स्लैंग में, तो अच्छा लगा। बट फनी लग रहा था उनके मुंह से सुनते हुए लीड जी बोल के, और डायलॉग भी अच्छा था कि चोटी काटी है तो प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मसाज करूँगा तो आ जाएंगे। मेरे लिए हाईलाइट तो लास्ट वाला शॉट है, मुझे डर लगा बट फिर भी मुझे हाईलाइट वही लगा, अच्छा लगा। एनीवेज आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।